हम इस समय उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जिस घटनास्थल पर आतंकियों ने जो है वो शिवखोड़ी दर्शनों के लिए आई भरी बस के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताते चले कि पहले नंबर जो है वो घात लगा करके आतंकी जो थे वो इसी सड़क के किनारे घने जंगलों में छुपे हुए थे और उन्होंने जो है वो आतंकियों ने सीधा निशाना जो है वो सीधा चालक को बनाया। हालांकि चालक ने अपनी तरफ से जो है वो पुरजोर कोशिश की है कि बस को जो है सही ठिकाने लगाया जाए, लेकिन चालक जो था वो अपनी सीट पर ही जो है वो डेड हो गया था क्योंकि गोलियों की बौछार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चालक के ऊपर की हुई थी। और मेरे पीछे आप इस समय देख सकते हैं कि ये जो कॉर्डन ऑफ जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो तैनाती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है। पूरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है वो बड़ी ही गहनता के साथ जो है वो खंगाला जा रहा है। हालांकि ये काफ़ी घना जंगल है और बिल्कुल सटा इलाका राजौरी है और राजौरी जिला ही कुछ मीटर की दूरी पर जाकर के जो है लगता है। हालांकि राजौरी जिले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आतंकी घटनाएँ जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार घटती जा रही थी, लेकिन इस एरिए को निशाना आतंकियों की तरफ से बनाया गया है जो हमेशा जो है वो शांति भरा ही इलाका रहता है। यहाँ पर पीसफुली यहाँ पर यात्रा जो थी वो आया करती थी, दर्शन करके वापस जाया करती थी, लेकिन आतंकियों ने ये एक कायराना हरकत जो है वो आज जरूर की है कि भोले बाबा के दरबार पर श्रद्धालु जो माथा टेकने के लिए आए हुए थे वापस कटरा की तरफ जा रहे थे और ये कंडा इलाका है जहाँ पर आतंकियों ने घात लगा करके जो है वो बस के ऊपर हमला किया। टारगेट जो था वो सीधा के सीधा निशाने में जो था बस चालक था। बस चालक जो है वो मौके पर ही मृत्यु का शिकार हुआ और बस जो थी वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके परिणाम स्वरूप 10 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो जो है वो इस हादसे में जो है वो कहीं ना कहीं मौत का शिकार भी हो चुके हैं और घायल भी जो करीबन जो है वो दर्जन से अधिक घायल जो है वो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। हम इस समय उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जिस घटनास्थल पर आतंकियों ने जो है वो शिवखोड़ी दर्शनों के लिए आई भरी बस के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताते चले कि पहले नंबर जो है वो घात लगा करके आतंकी जो थे वो इसी सड़क के किनारे घने जंगलों में छुपे हुए थे और उन्होंने जो है वो आतंकियों ने सीधा निशाना जो है वो सीधा चालक को बनाया। हालांकि चालक ने अपनी तरफ से जो है वो पुरजोर कोशिश की है कि बस को जो है सही ठिकाने लगाया जाए, लेकिन चालक जो था वो अपनी सीट पर ही जो है वो डेड हो गया था क्योंकि गोलियों की बौछार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चालक के ऊपर की हुई थी। और मेरे पीछे आप इस समय देख सकते हैं कि ये जो कॉर्डन ऑफ जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो तैनाती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है। पूरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है वो बड़ी ही गहनता के साथ जो है वो खंगाला जा रहा है। हालांकि ये काफ़ी घना जंगल है और बिल्कुल सटा इलाका राजौरी है और राजौरी जिला ही कुछ मीटर की दूरी पर जाकर के जो है लगता है। हालांकि राजौरी जिले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आतंकी घटनाएं जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार घटती जा रही थी, लेकिन इस एरिए को निशाना आतंकियों की तरफ से बनाया गया है जो हमेशा जो है वो शांति भरा ही इलाका रहता है। यहाँ पर पीसफुली यहाँ पर यात्रा जो थी वो आया करती थी, दर्शन करके वापस जाया करती थी, लेकिन आतंकियों ने ये एक कायराना हरकत जो है वो आज जरूर की है कि भोले बाबा के दरबार पर श्रद्धालु जो माथा टेकने के लिए आए हुए थे वापस कटरा की तरफ जा रहे थे और ये कंडा इलाका है जहाँ पर आतंकियों ने घात लगा करके जो है वो बस के ऊपर हमला किया। टारगेट जो था वो सीधा के सीधा निशाने में जो था बस चालक था। बस चालक जो है वो मौके पर ही मृत्यु का शिकार हुआ और बस जो थी वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके परिणाम स्वरूप 10 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो जो है वो इस हादसे में जो है वो कहीं ना कहीं मौत का शिकार भी हो चुके हैं और घायल भी जो करीबन जो है वो दर्जन से अधिक घायल जो है वो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी।